तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरू के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। अब अगर बात करते हैं जहां पे पहले ODI मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 131 रन की डिफरेंस हराया, अगर वही दूसरे मैच की बात करें तो दूसरा मैच भी काफी रोमांचक हुआ। लास्ट मैच में न्यूजीलैंड एक विकेट से मैच भी जीता और सीरीज भी जीत ली। तो बात करते हैं तीसरे ODI मैच की, जो कि खेला जाएगा न्यूजीलैंड वोमेन और पाकिस्तान वोमेन के बीच में। यह मैच 18 दिसंबर को किस चर्च हैगली ओवल स्टेडियम में होगा। अगर ये इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यह मैच 6:30 पे मॉर्निंग में स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट देखते हैं। तो हैगली ओवल के पिच में बहुत बाउंस रहती है, पिच से सीम बॉलर को हेल्प मिलेगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 35% रहेगा, टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर स्कोर पैटर्न की बात करें तो इस पिच पे एवरेज स्कोर देखें तो 220 रन है, हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 365 रन है 4 विकेट के नुकसान पे। वहीं अगर लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 169 रन है 6 विकेट के नुकसान पे। अब अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 5 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे न्यूजीलैंड 4 मैच जीत के आ रही थी, पाकिस्तान 1 मैच जीत के आ रही है। बात करते हैं पाकिस्तान टीम का शॉट एनालिसिस करते हैं। तो बैटिंग में बात करें तो जहाँ पे टॉप ऑर्डर में मुनीबा अली एंड सिदरा अमीन फ्लॉप थी, दोनों यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा दोनों को। अगर नंबर 3 पे बात करें तो जहाँ पे एक्सपीरियंस है बिस्मा मैरफ जो आउट ऑफ फॉर्म में चल रही है। अगर मिडिल ऑर्डर में बात करें तो टीम के पास अलिया रियाज है एंड नटालिया परवाज की एक्सपीरियंस जोड़ी है। नटालिया लास्ट मैच में अच्छा खेली थी। वहीं अगर लास्ट गेम में बात करें टीम की कैप्टन जहां पे फतिमा सना ने सबसे ज़्यादा रन 90 रन बनाए थे, टीम की प्लस पॉइंट उसका ऑलराउंडर उमेन हानी है। विकेट कीपिंग की बात करें तो जहां पे नजिया अलवी है। अगर एक्सपीरियंस देखें तो ऑलराउंडर फतिमा सना टीम की एक्स फैक्टर है। अगर बॉलिंग की बात करें तो जो बॉलिंग में टीम ने अच्छा कम बैक किया, फास्ट बॉलर जहां पे फतिमा सना अलिया रियाज की जोड़ी टीम को विकेट दिला सकती है। फतिमा लास्ट मैच में 2 विकेट ली थी। अगर स्पिन डिपार्टमेंट में बात करें तो जहां पे गुलाम फतिमा ने लास्ट मैच में बेस्ट स्पेल डाला और 4 विकेट लिए। अगर नासरा संधू टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, उमे हानी टीम को जरूरी विकेट दिला सकते हैं। इस मैच में टीम की बॉलिंग इंप्रूवमेंट करना होगा। वहीं अगर की प्लेयर की बात करें तो जहां पे बिस्मा मारूफ है, फतिमा सना और सिदरा अमीन है। वहीं दूसरी टीम न्यूजीलैंड का शॉट एनालिसिस करते हैं। अगर ओपनिंग की बात करें तो जहां पे सुजी बेट्स से अमेलिया केर है, सुजी बेट्स ने 108 रन बनाकर जबकि अमेलिया फ्लॉप थी नंबर 3 पे, जहां पे कैप्टन सोफी डिवाइन फ्लॉप थी। मिडिल ऑर्डर में बात करें तो मैडी ग्रीन ने लास्ट मैच में 83 रन बनाए, यंग बैटर जॉर्जिया प्लीमर जो यहां पे रन मारना होगा। अगर विकेट कीपिंग की बात करें तो जहां पे शाबा गेज ने जो अच्छी बैटर है, टीम की बॉलिंग यूनिट भी स्ट्रांग है, फास्ट बॉलर ली तहू ने 1 विकेट लिया था। कैप्टन की बात करें तो सोफी डिवाइन ने बेस्ट स्पेल डाला और 3 विकेट लिया था। जेस केर टीम की लीडिंग विकेट टेकर है। वहीं ऑलराउंडर की बात करें तो जहां पे अमेलिया केर टीम को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, टीम की सबसे बड़ी ताकत उसके फास्ट बॉलर हना रो है, उनका रिसेंटली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। स्पिन डिपार्टमेंट जहां पे फ्रांस जोनस टीम को लीड करेंगे। वहीं मौली पनलट जो 2 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं की प्लेयर देखते हैं, की प्लेयर में जहां पे सुजी बेट्स है, अमेलिया केर है और सोफी डिवाइन है। तो फाइनली दोस्तों हमने पे डिस्कशन कर लिया, आगे बढ़ते चलते विनर के अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर न्यूजीलैंड वोमेंस होगी। यहाँ पे न्यूजीलैंड वोमेंस काफी स्ट्रांग लग रही है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।